दर्शक बंधु मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया ओडिया यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास रे हमें देखिवा आपण को मैथमेटिक्स जो नंबर सिस्टम रही है, नंबर सिस्टम रे हमें गोटे डेमो लेक्चर देखिवा। ओके, तो आपण मन को केमती लगे सेटा आपण मैंने वीडियो शेष रे आपण मैंने निजर फीडबैक देबे कमेंट बॉक्स रे कि आपण मन को क्लास टी केमती लगला। तो ये क्लास आपण मन को आपण मन करो जो पेड क्लास स्टार्ट हबो तो सेतरे आपण को प्रोवाइड करा जीवो जोटी कि आपण को ओटीएटी बोथ पेपर वन एंड पेपर टू पे रहइबो। ओके, तो देखो तो ये ओटीएटी पेड कोर्स रे आपण मन को कोन कोन सब मिलबो जोटी कि आपण को डिसेंबर 1 रो स्टार्ट हबा को जाउची। तो देखो तो आपण को प्रथमे कोन कोन फैसिलिटीज मिलबो सेटा जानि रखो। ओके, प्रथमे तो आपण मन को वीडियो क्लासेस मिलबो जोथरे कि आपण मन को सार एंड मैम माने आपण को जो रही छेंती आपण को वीडियो क्लासेस माध्यम रे आपण को सब जिंस बुझिया को चेष्टा करिवे और आपण माने ताकू देखि बुझि पारिवे। ओके, तो एटा हेगला आपण मन को वीडियो क्लासेस जोटे कि आपण को फर्स्ट मिलबो, तापर सेकंड आपण मन को मिलबो पीडीएफ नोट्स, तापर आपण को जदि किछि आपण को टॉपिक रिलेटेड डाउट आसीला कि क्वेश्चन रे कोठी आपण को डाउट आसीला सॉल्व हे परनी देन आपण माने डाउट सेशन पे आपण माने कहि परबे आपण को क्वेश्चन रे डाउट आसी आपण को डाउट क्लियर करा जइबो। आ जदि से टॉपिक रिलेटेड बहुत पिलां को डाउट आसीला देन आपण को पई गोटे पर्टिकुलरली सेशन करा जइबो जोथरे कि आपण को केवल डाउट्स को ही क्लियर करा जइबो। ओके, तापर नेक्स्ट रही कौन ना सरप्राइज मॉक टेस्ट, मीन्स आपण मन जो क्लासेस हम क्लासेस आपण सरलापर आपण मानक पिला पढ़ुंट कौन बुझे कौन न बुझे। ओके, से गोटे गोटे मझी मझी मॉक टेस्ट निजी जोटि आपण सरप्राइज रीन्स आपन को कहन कि केवे मॉक टेस्ट हम अचानक से सडेनली आपण को गोटे मॉक टेस्ट निजी जो थे कि आपन को टेस्ट देवार अच्छे आपण मन परफॉर्मेंस चेक करार अच्छे कि आपण मैंने स्कोर करुँ। ओके, जो थे कि आम जापरू कि आपण मैंने केते इनवॉल्वमेंट दौंस कोर्स रे और केते पाठ आपण मैंने पढ़ुंट। ओके, आते आपन को बुझी आसूसी कौ जगह आपण को बुझी आसूनी आपण मानक भूल भाल होने सुधरिया चेस्ट कर। ओके, तापर नेक्स्ट रही आप वीकली टेस्ट, मीनस आप गोटे विक् जहाँ भी क्लासेस हम जहाँ भी आपन को कवर कर तार गोटे टॉप मीनस आपण टेस्ट निजी से टेस्ट आपण मैंने अटेम्प्ट करेंगे आपण मैंने देखिए कि आपण परफॉर्मेंस को हिसाब से आसूसी। तो ये सब फैसिलिटीज आपण मैं मिल पार। ओके, तो ये सब फैसिलिटीज पे आपण के कौन फीस रही देखनी आपण जदि आपल पेपर वन ने जोटा कि आपण 799 रखाई जदि आपण 15 नवेम्बर पूर्व आपचेज करेन आपण मैं ये आपन को 100 रुपीज डिस्काउंट मिले जोटा कि आपण 699 रुपीज हो। ओके, से भाया जदि आपण पेपर टू पर खाली नौ जोटा कि आपण 999 रखाई से 100 रुपीज डिस्काउंट मिले दैट मीनस आपण 899 मिले। आज जदि आपण मैंने बोथ पेपर वन एंड पेपर टू परचेज करने चाहते देन जोटा कि आपण 1499 रखाई से थे भी आपण मैं डिस्काउंट मिले 200 रुपीज डिस्काउंट मिले जोटा कि आपण मैं 1299 मीन्स 1299 टाँचा मात्र आपणकर नि। ओके, सो देखो ओ टी टी आपण पेपर वन पेपर टू पास कले लाभ कौन बहुत पिला क्वेश्चन बा डाउट्स रोचे कि पास करके आम करूँ कौन। ओके, देखो जमी ओ एस आसला ओ एस बर्तमान कंपलसरी करदेला ओ टी टी पेपर टू कि आपने सी टी टी पास करवा दरकार। तो देखो आपण ओ एस टी टी पास करवा आपंपाई टे डिफिकल्टज हो पाए कि ओ टी टी आपर सी टी टी एस आपर पास करवाई इजी। तो जिते भी बर्तमान टीचरशिप एक्जामेसन आपर आसूँ। ओके, कहीं देखो टीचरशिप रिक्वयरमेंट के रुकिया नहीं आपण मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जानतु गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जानतु को भी जगह को जानतु आपण मन को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करथवा दरकार। आपण मन को जेमती डीएवी रे बाहर थिला आपण मन देखथबे टीजीटी पीजीटी पे बाहर थिला सेथिरे मध्ये आपण को ओटीटी मागितिला किंबा आपण को सीटीटी पास करथवा दरकार। मीन्स आपण मन कोनोसी भी जगह टीचरशिप करिया पय जाउछंती आपण मन को टीचरशिप एग्जामिनेशन प्रथमे पचार जइबो कि पास करिसंती कि नाही। जदि पास करिसंती देन आपण मन एलिजिबल हेई परबे तो सेत पय आपण को ओटीटी पास करबे निहाती दरकार। ओके, जोटि कि हमर ओडिसा भितर वैलिड रहइबो ओडिसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखंतु आपण मन जदि चाहूछंती परचेज करिया पय देन आपण मन एई व्हाट्सएप नंबर देखंतु रहिछि एठी आपण को 9090585 4614 यही नंबर आपने कांटेक्ट करी करेंगे आपन को पूरा डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया दिज्व आ सहित जहाँ जहाँ फैसिलिटीज रही सब फैसिलिटीज आपन को प्रोवाइड करा जिवो। तो आशा करी कि आपन को ये सब इनफर्मेसन भल लगे। तो चलो आज क्लास को स्टार्ट करवा।
तो देखो आज क्लास देखा कौन ना नंबर सिस्टम जहाँ को आम ओडिया संख्या पद्धति बोली कही था जोटा कि आपर पेपर वन और पेपर टू बोथ रे इनक्लूड रही तो यार प्रथम आम बेसिक जिनस को देखा ओके तापर यार आम कनसेप्ट को जी कि आपर कौ टाइप क्वेश्चन आसमती आपश्चिन को सल्व करेंगे ओके बहुत इजी इजी क्वेश्चन आसली क्वेश्चन को देखिक सल्व करेंगे आपंती कनसेप्ट दिज्व तो देखो प्रथम कौन रही आम प्रथम नेचुरल नंबर को देखा जहाँ को आम ओडिया गणन संख्या बोली कही था तो नेचुरल नंबर व गणन संख्या को जीवा पूर्व आमको कि जिनस जाना निहाती दरकार ओके आपने जाथे पूर्व आपको पुणी थे मुझे रिपीट करेबी रिकॉल करेबी कहीं रिकॉल करेबी तार कारण अच्छी कि आपड़ी रिकॉल करके पढ़ुंट देन आपस गुड़ाक रिलेट्स करें ओके आ मैथमेटिक्स गोटे एमती जिनस जो थे कि आपते रिलेट करें गोटे जिनस को आउ गोटे जिनस सहित से इजिली आपको मन रखिपर ओके तो देखो गणन संख्या को जीवा पूर्व आमको अंक आउ संख्या भितर पार्थक्य को जाना पड़ो अंक मीनस कौन ना आम जहाँ ओडिया सरी इंग्राजी में डिजिट बोली कही था आउ संख्या मीनस कौन ना आम जहाँ नंबर बोली कही था तो डिजिट्स आउ नंबर भितर डिफरेन्स कौन रही जदि आम अंक कथ देखा डिजिट कथ देखा तो आपर देखो दसटा डिजिट्स रही दसटा डिजिट्स कौन कौन रही ना जीरो रू स्टार्टिंग होकर आप नौ पर्यंत जो रही है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन ए सबू गोटे गोटे आपणकर अंक मीन्स आपने जो गोटे गोटे आपर संख्या रही है तो आम सर्वदा अंक बोली कही था तो गोटे गोटे वाला आपंकर देखो किए रही ना जीरो वन टू थ्री फोर ए सबू रही तो सबको आम कौन कही था सबको आम अंक बोली कही था तो अंक किए किए आसो ना जीरो रू नहीं कि नाइन पर्यंत आपंकर जहाँ रेसब आपंकर गोटे गोटे अंक होपर जदि आम संख्या कथा कह संख्या आपर कौठ स्टार्ट होता है ना संख्या आपंकर दुई बाठू अधिक अंक को लेकिन आपंकर कौन होता है ना संख्या सृष्टि होता है गोटे किठू अधिक अंक को मिसाइले आमको जहाँ मिलक आम संख्या बोली कही था तो आमर जो ये अंक गुड़ाक रही अंक गुड़ाक भी आम संख्या कही था यही सब अंक को आम कौन करा ना गोटे अंक सहित आउ गोटे अंक मिसेवा गोटे डिजिट सहित आउ गोटे डिजिट मिसेवा तो डिजिट को डिजिट डिजिट को डिजिट मिस सारापर आमर कौन होता है ना संख्या गुड़ाक सृष्टि होता है जमीक आम कह कि गोटे अंक विशिष्ट संख्या तो किए आसो ना जीरो रू नहीं कि नाइन पर्यंत आमर आसभ आम कह दुई अंक विशिष्ट संख्या दुई अंक विशिष्ट संख्या किए आसो ना आपंकर दस रू नहीं कि अनेशत पर्यंत संख्या गुड़ाक आसो से कहि तीन अंक विशिष्ट संख्या तो तीन अंक विशिष्ट संख्या कौन जो कि तीन टा अंक रही थोड़े तीन अंक विशिष्ट संख्या कह जोटा कि आम शहे रू नहीं कि नौश अनेशत पर्यंत रीन्स नाइन हंड्रेड नाइंटी नाइन पर्यंत रसबू होगा आपर संख्या एग्जाम्पल्स देखो एग्जाम्पल्स जमी दिखाई कौन ना दस बार एगार पैंतीस शहे दुईश चौतीस ए सब गोटे गोटे कौन ना सब गोटे गोटे होगा संख्या तो आपण मैंने संख्या और अंक भितर तो पार्थक्य जाणीजे बर्तमान एथेर देखो कि इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही जोटा कि रेड कलर में लिखिदी देखो प्रत्येक अंक गोटे संख्या कितु प्रत्येक संख्या अंक नुहे मीनस आपंकर जो अंक गुड़ाक रही से अंक गुड़ाक प्रत्येक गोटे गोटे संख्या हो पार एक अंक विशिष्ट संख्या कितु प्रत्येक संख्या गोटे अंक हो पार ना जमीक मुझे कहली दस दसटा गोटे संख्या दसटा गोटे अंक नुहे से कहली एगार एगारटा गोटे संख्या एगारटा गोटे अंक नुहे मीन्स प्रत्येक संख्या आपंकर अंक हो पार ना कि प्रत्येक अंक गोटे संख्या हो पार यहाँ होगा फर्स्ट पॉइंट मन रखिए तापर सेकेंड पॉइंट कौन कौन ना सबुठ छोट अंक है जीरो सबुठ बड़ अंक है नौ जदि आम डिजिट कथ कह सबुठ छोट डिजिट किए हम ना सबुठ छोट डिजिट देखो आपंकर डिजिट जीरो रू नहीं कि नाइन पर्यंत रही तो सबुठ छोट किए आसना सबुठ छोट हूँ जीरो आउ सब बड़ हूँ नाइन तो अंक कथ जदि आम कह डिजिट कथ कह सब छोट अंक हो जीरो सबुठ बड़ अंक डिजिट हो नाइन होके से भाया जदि आम संख्या कथ कह सबुठ छोट संख्या आपर कौन आसो ना सबुट छोट संख्या आपंकर जीरो आसो कहीं आम प्रत्येक अंक को गोटे गोटे संख्या कह तो सबुठ छोट संख्या आमर किए आसो ना जीरो आसो सबुठ बड़ संख्या किए आसो सबुठ बड़ संख्या आम कहीपर ना कहीं आपने काउंट करी करी जानतु वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व एसबु गोटे गोटे संख्या तो सबुर आपत पर्यटन काउंट करेंगे आपत कहते हैं से वन एड कर दिखाँ
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁନି କହିବେ କି 1 ଲକ୍ଷ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବି କି 1 ଲକ୍ଷ 1, ତ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି 10 ଲକ୍ଷ, ମୁଁ କହିବି 10 ଲକ୍ଷ 1, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି 1 କୋଟି, ମୁଁ କହିବି 1 କୋଟି 1। ଆପଣମାନେ କହିବେ କି 1 ମିଲିୟନ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ, ମୁଁ କହିବି 1 ଟ୍ରିଲିୟନ 1। ମିନ୍ସ ଯେତେ ବି ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର କହିବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ବି ବଡ଼ ନମ୍ବର ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି 1 ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପୁଣି ଥରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ। ତ ଆମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କହିପାରିବା ବା ଛୋଟ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନମ୍ବରକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କିଛିଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗଣୁଅଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, ବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ତ ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ, ମୁଁ କହିବି କି 10ଟା ଆମର କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି ନା ଏଠି ନଡ଼ିଆ ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ କେଉଁଥିରୁ କାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ନା 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମିନ୍ସ 1ରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଣନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବା ଗଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ 1ରୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ସେସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ। ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର କହିଥାଉ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରିଥାଉ ବା ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ କି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରକୁ ସିଏ ଡିନୋଟ୍ କରୁଛି ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସିଏ ଦର୍ଶାଉଛି। ୟାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ, 1, 2, 3, 4, 5 ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖାଯାଏ। ମିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହୁଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗଣନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 1ରୁ ନେଇକି ଆମେ 9 ଯାଇକି ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ତାପରେ 9 ପରେ ଆମର କ'ଣ, 9 ପରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାନଥିଲା କି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଶୂନକୁ ମିଶାଯାଇନଥିଲା। ମିନ୍ସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଶୂନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମିଶାଇନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ମିନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିଲା। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲି, 1ରୁ ନେଇକି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲି। 9 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ, 9 ପରେ ଆସିବ 10, ତ 10ଟା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, 1 ସହିତ ଆମେ ଶୂନକୁ ମିଶାଇଲେ ସିନା 10 ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶୂନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଶୂନର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କାର ହେଇନି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ଆମେ 11 ଲେଖୁଥିଲେ, 12 ଲେଖୁଥିଲେ, 13 ଲେଖୁଥିଲେ, 14 ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10 ଲେଖିପାରିଲେନି, 100 ଲେଖିପାରିଲେନି। ଓକେ, 20, 30, 40 ଆମେ କିଛି ଲେଖିପାରିଲେନି। ମିନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର ବା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିଛି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ରହିଥିଲେ ମହର୍ଷି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ତ ମହର୍ଷି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଶୂନର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସେଇ ଶୂନକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୂନକୁ ମିଶାଇଦେଲେ, ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର କହିଲେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ମିନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା। ତ ଆପଣଙ୍କର 0ରୁ ନେଇକି 9 ଯାଇ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ 10 ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ 10 ପରେ 11, 12, 13, 14 ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଲା। ତାପରେ 20 ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିଲେ, 2ରେ 0 ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ 3ରେ 0 ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, 30 ଆସିଗଲା, 40 ଆସିଗଲା, 50 ଆସିଗଲା। ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 0କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମିନ୍ସ ଆମେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଇଯାଇପାରିବା। ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର W ଦ୍ୱାରା ଡିନୋଟ୍ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଥାଉ। ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ମିନ୍ସ ହେଉଛି
पूर्ण संख्या तो ताकू कैपिटल डब्ल्यू द्वारा लिखा जाए था। तो कैपिटल डब्ल्यू रे आपण कौ सब संख्या आए ना कैपिटल डब्ल्यू रे आपर जिते बड़े जीरो सहित आपर जिते सब गणन संख्या रही गणन संख्या किए किए रही 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके तो सब नंबर गुड़ाक जिते बड़े मिसाई दिगला से कौन ना होल नंबर होगा। ओके तो होल नंबर जब आम लिखा आमको बाकी पचारे कि पूर्ण संख्या सेट्रे किए किए आए तो आपबे कि जीरो सहित जहाँ भी गणन संख्या रही से सब गोटे गोटे आपण ना होल नंबर बा पूर्ण संख्या। तो एथिरे गोटे इम्पोर्टेंट जिनस आपण मन रखा पड़ो कि प्रत्येक गणन संख्या गोटे पूर्ण संख्या किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या गोटे गणन संख्या नुहे। यहाँ आपन को क्वेश्चन रे बेले बेले पचारि दिए कि ट्रु फॉल्स रे मध्य आपन को स्टेटमेंट रे पचारि दिए एग्जामिनेशन रे कि प्रत्येक गणन संख्या गोटे पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या गोटे गणन संख्या ये आपण कौन हुए ना क्वेश्चन दिए जो थे कि पिलाने कन्फ्यूज हो जाती। तो आपने जाणी रखा दरकार कि प्रत्येक गणन संख्या गोटे पूर्ण संख्या कहीं जिते बड़े आम पूर्ण संख्या लिखुंत पूर्ण संख्यार आम जीरो सहित कौन करना गणन संख्या गुड़ाक एड कर तो जेहेतु आम पूर्ण संख्या सहित गणन संख्या को एड कलापर जाकि कौन हो डब्ल्यू सेट बनी पार्टी। तो गणन संख्यार सब संख्या गुड़ाक कौन हो डब्ल्यू भितर आसूसी तो से कहुए कौन ना आप प्रत्येक गणन संख्या गोटे पूर्ण संख्या हो पार कि प्रत्येक पूर्ण संख्या गोटे गोटे गणन संख्या नुहे कहीं देखो पूर्ण संख्या भितर जीरो आसूसी जोटा कि आम गणन संख्यार आसेनि कहीं गणन संख्या तो आमर वन रु आरंभ हो तो से जीरो ना जेहेतु से जीरो ना तो आपर प्रत्येक पूर्ण संख्या गणन संख्या हो न था कि प्रत्येक गणन संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो आशा करी कि जिनसा आपको बुझी आसो। ओके देखिए नेक्स्ट कौन रही तापरे नेक्स्ट रही है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर माने गणन संख्यार प्रकार भेद माने गणन संख्या को आम केते भाग में विभक्त करिपरिबा। ओके तो गणन संख्या देखो गणन संख्या को जदि आम मेनली देखा गणन संख्या बा नेचुरल नंबर जो रही से नेचुरल नंबर को आम तीन भाग में विभक्त करथौ। तो तीन भाग में कौन कौन विभक्त करथौ प्रथम है आम मौलिक संख्या जहाँ को आम इंग्राजी में प्राइम नंबर कही थाउ तापर आसव जौगिक संख्या जहाँ को आम इंग्राजी में कंपोजिट नंबर कही थाउर आसव आमर एक एक जहाँ को आम स्वतंत्र संख्या बोली कही थो। तो गणन संख्या आपंकर तीन भाग में विभक्त हो गोटे एक आउ गोटे मौलिक संख्या आउ गोटे जौगिक संख्या। तो एक को कहीं अलग करागला मौलिक संख्या क्या कहवा जौगिक संख्या क्या कहवा आम बर्तमान टी देखा। सो प्रथम आम आरंभ करवा मौलिक संख्यार प्राइम नंबर आम क्या कही थो देखु जो संख्यार गुणनियोग एक एवं से निजे आम मौलिक संख्या बोली कही थो। सपोज करूँ कि आपण मैंने कौन सी भी गोटे संख्या ने तो से संख्यार गुणनियोग आ गुणितक प्रथम आपण को जानवा दरकार। सपोज करूँ मुझे लिखिली कौन ना फोर लिखिली। ओके तो ये फोर टा जो आसो ये फोर रुणनियोग आम क्या कह फोर आपंकर कौ कौ नंबर द्वारा हरण हो पार विभाज्य हो पार डिवाइड हो पार आम जब इंग्राजी में कहवा। ओके तो ये फोर आपंकर कौ कौ नंबर द्वारा डिवाइड हो पार विभाज्य हो पार। तो आपने कहे कि वन आम फोर को हरण कर टू रे आम फोर को हरण करोर रे आम फोर को हरण करें तीन टा नंबर द्वारा आम कौन कर फोर को आम हरण कर माने आमको कौन मिले भाग शेष जीरो मिले जिते बड़े आम ये नंबर द्वारा आम डिवाइड करवा मीनस वन टाइम गोटे हो कौन ना फोर रुणनियोग हो टूटा गोटे गुणनियोग हो फोर टा गोटे गुणनियोग हो गोटे कौन सी नंबर आपको देली सपोज करूँ मुझे देली एट तो एट रुणनियोग कौन हम मैंने आम देखा कि एट्टा कौ कौ नंबर द्वारा हरण हो पार्टी। तो आप कह कि वन हो पार टू रेपर तापर आप कह फोर हो पार आप कहे कि एट्रे पार ताने जो एट्टा रही एट्र गुणनियोग किए आसला वन आसला टू आसला फोर आसला आईट आसला। तो जो नंबरटा आपणकर जो नंबर द्वारा डिवाइड हो पारण हो पार से नंबर गुड़ाक तार कौन हो गुणनियोग फैक्टर होमें इंग्राजी में जब कहे फैक्टर कही थाउ ओडिया आम कहे गुणनियोग कही थाउ। तो ओडिया में मुझे ये कहे कहीं आपर एग्जामिनेशन रे बाय लैंग्वेज आसव मीनस आपंकर ओडिया भी आसव इंग्राजी भी आसव आपको जोटा बुझी आसो आप करेंगे। ओके तो सपोज करूँ एट दिखाई तो एट्र फैक्टर गुणनियोग किए किए आसला वन आसला टू आसला फोर आसला आईट आसला मीनस यही चार्टा नंबर द्वारा एट्टा हरण हो पार्टी। तो आपंकर एट्र फैक्टर किए किए ना वन हो टू हो फोर होट हो आउ कौन नंबर देली सपोज करूँ टेन देली तो टेन टा कौ नंबर द्वारा डिवाइड हो पार हरण हो पार आपे कि वन हो पार टू हो पार थ्री तो हो पार फोर रे भी हो पार फाइव हो पार कौरे हो पार टेन हो पार। तो टेन रुणनियोग किए किए आसला वन आसला टू आसला फाइव आसला टेन आसला
मीन्स सही चार्टा हो तार कौन ना गुणनयोग हो तो ये मौलिक संख्यार आमको डेफिनेशन कौन कौन ना जो संख्यार गुणनयोग एक आउ से निजे से ही संख्या गुड़ाक आम मौलिक संख्या कह आदि ता व्यतीत कौन से संख्या हुए तो मौलिक संख्या हेबना जमी मुझे लिखिली कौन ना फोर फोर में आपर गुणनयोग कौन कौन मिलला आपण मिलला वन मिलला टू मिलला फोर मिलला तो ये देखो फोर रुणनयोग वन तो होता सहित फोर निजे भी हूँ ता सहित एक्सट्रा गोटे टू आसगला जेहेतु ये टूटा आसगला तो से फोरटा गोटे कौन हम ना फोरटा गोटे के मौलिक संख्या हेबना किंतु जदि मुझे कहली कि थ्री थ्री देखो थ्रीटा आपंकर कौ कौ संख्या द्वारा हरण हो पार तो थ्रीटा आप कह कि वन द्वारा हो पार आ्री द्वारा हो पार ताने देखो आप वन द्वारा है आ संख्याटा आपंकर निज द्वारा डिविजिबल हो पार मीन हरण हो पार आमको मौलिक संख्यार डेफिनेशन रे भी तो सहीटा ही कही कि जो संख्यार गुणनयोग एक हो से निजे तो ये देखो तीन रुणनयोग एक आजे जेहेतु आपर एक आजे तो तीन टा गोटे कौन हो मौलिक संख्या जदि मुझे कहि दुई दुई रे देखु आपर के रुईपाई आपंकर एक आई निजे रीन्स एटी भी आपंकर एक आज संख्या द्वारा हरण हो पार तो दुईटे भी गोटे कौन हो मौलिक संख्या होमती जदि मुझे कहि पाँच पाँचटा क्या द्वारा हरण हो पार पाँचटा आपंकर एक द्वारा हो पार और निजे पाँच द्वारा हरण हो पार तो पाँचटा भी गोटे कौन हो पाँचटा भी गोटे मौलिक संख्या हो कहीं पाँचटा एक द्वारा हो पार निज संख्या द्वारा हो पार से कहली सात सातटा क्या द्वारा हो पार सातटा एक द्वारा हो पार सात द्वारा हो पार क्या द्वारा हरण हो पार किपर तो सातटा भी गोटे मौलिक संख्या होती कहली सिक्स सिक्सटा कौन गोटे मौलिक संख्या हे कि सिक्सटा गोटे मौलिक संख्या हेनी कहीं सिक्सटा देखते वन द्वारा हरण हो पार टू द्वारा हो पार तीन द्वारा हो पार आपर सिक्स द्वारा हो पार मीनस आपंकर वन द्वारा तो होता सहित सिक्स द्वारा होता सहित एक्सट्रा दुई आउ तीन द्वारा भी हरण हो पार किंतु आमको मौलिक संख्यार कही केवल एक द्वारा हो पार आउ से संख्या निजे द्वारा हो पार जदि सेमती होती मौलिक संख्या कहवा प्राइम नंबर कहवा अदरवाइज आम प्राइम नंबर कहवा ना तो जेहेतु ये टू आउ थ्री द्वारा डिवाइड हो हरण हो तो से गोटे मौलिक संख्या हेबना तो उदाहरण जदि आम देखा एक्जाम्पल जदि देखा मौलिक संख्यार किए किए आस देखु दुई आसन आसच आसत आसार आसो ए सब नंबर गुड़ाक गोटे गोटे कौन हो मौलिक संख्या होके तापर यार किटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही से इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुड़ाक देखा कौन इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही देखो सबुठ छोट मौलिक संख्या और युग्म मौलिक संख्या जदि आम कह देन सेटा आमर हो टू तो आपको जदि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आसे कि सबुठ छोट मौलिक संख्या बा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देन आपण मैंने टू करेंगे किंतु जदि आपको इवेन प्राइम नंबर बा युग्म मौलिक संख्या कथा पचारे देन अल्सो आपने टू को सिलेक्ट करेंगे कहीं युग्म मौलिक संख्या केवल गोटे ही रही जोटा हूँ टू ता व्यतीत आज जिते भी सब युग्म संख्या आसो चार छः आठ ये सब गोटे गोटे आपणकर मौलिक संख्या हेबना कहीं कहीं देखो आप गुणनयोग एक आजे रही है ता सहित आपंकर गुणनयोग टू रही है सबूर तो से गुड़ाक गोटे गोटे मौलिक संख्या हेनी कितु जदि युग्म मौलिक संख्या पचारे देन आपंकर टू हम तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ कि सबुठ छोट अजुग्म मौलिक संख्या जदि कथा देखा सबुठ छोट अजुग्म मौलिक संख्या आसो थ्री तापर ताठारु जिते भी सब बड़ नंबर रही फाइव सेवेन इलेवेन एसब आपंकर मौलिक संख्या हेबो एवं गोटे मात्र युग्म मौलिक संख्या है दुई जोटा कि आपको पूर्वर कही सारी ठीक अच्छे तो सब हो गला आमर कौन ना मौलिक संख्या विषय तापर नेक्स्ट देखा आमर यौगिक संख्या को आम इंग्राजी कही थो कौन ना कंपोजिट नंबर बोली कही थो तो केते बेले गोटे संख्या को आम यौगिक संख्या कहवा ना जिते बेले गोटे संख्या मौलिक संख्या हो नत से संख्याटा को आम यौगिक संख्या कहवा मौलिक संख्या ही नथिबो माने कौन ना मौलिक संख्या ही नथिबो माने तार जो गुणनयोग रहिबो गुणनयोग एक आउ से निजे व्यतीत अन्य जदि कौन सी नंबर रही जाए ताहले सेटा मौलिक संख्या हेनी तो सही क्षेत्र से कौन हो गोटे यौगिक संख्या हो तो देखो यौगिक संख्यार डेफिनेशन कौन कौन ना जो संख्यार गुणनयोग एक आउ निज को छाड़ी अन्य संख्या भी होता है आम यौगिक संख्या कह तो जदि आमको गोटे संख्या एमती कौन सी मिलूँ जो थे कि तार गुणनयोग एक तो रहा सहित से ही संख्याटा निजे भी रहा व्यतीत भी अलग कौन सी संख्या रेन आम से ही संख्या गुड़ाक कह कौन ना यौगिक संख्या कहवा जमीक फोरटा आसा फोरटा गोटे कौन ना फोरटा
आपणकर गोटे जौगिक संख्या व कंपोजिट नंबर हम कहीं हम कहीं देखते यार गुणनक किए रही वन रही टू रही एंड फोर रही मैंने वन तो आसला आ फोर मान से निजे आसला ता व्यतीत आपंकर टू भी आसला जेहेतु आप फोर व्यतीत अलग नंबर भी यार कौन हो गुणनक हो फैक्टर हो से गोटे कौन हो जौगिक संख्या व कंपोजिट नंबर होगा मुझे आउ कौन एग्जांपल्स ने भी सपोज करूँ मुझे सिक्स नेली तो सिक्स देखो गुणनक किए रहा वन रहा टू रहा थ्री रहा एंड सिक्स रहा तो ये वन आउ सिक्स को छाड़देले आपंकर टू आउ थ्री भी यार कौन हो गुणनक फैक्टर हो सहीटा भी गोटे कौन हो जौगिक संख्या हो मैंने जिते भी आम जब मौलिक संख्या को छाड़देबा ता व्यतीत जिते भी सब आम संख्या रो तो से सब गोटे गोटे कौन हो जौगिक संख्या हो तो जौगिक संख्या आम स्टार्टिंग कौट होता है फोर रु स्टार्टिंग होता है तो चार छः आठ नौ दस बार एसबू जिते सब आसो सब गोटे गोटे कौन हम जौगिक संख्या हे तो जदि आमको पचारा जाए कि सबुठ छोट जौगिक संख्या कौन हम जुग्म जौगिक संख्या सबुठ छोट जदि आम देखा देन से फोर कहीं देखो फोर रु आप जौगिक संख्या स्टार्ट होती कहीं वन टा तो आम मौलिक नुहे कि जौगिक भी नुहे व्यतीत टू आउ थ्री जो रहा से दुटा आपंकर मौलिक संख्या गोटे हूँ जुग्म मौलिक संख्या आ गए हूँ अजुग्म मौलिक संख्या परे आपणकर स्टार्ट होता है जौगिक संख्या जोटी की फोर रु स्टार्ट होता है जेहेतु जौगिक संख्या फोर रु स्टार्ट होता है तो फोर टा गोटे कौन सबुठ छोट जौगिक संख्या बामे कोई परिवा सबुठ छोट जुग्म जौगिक संख्या ओके बा इवेन कंपोजिट नंबर आम कही परिवा तापर जदि आपको पचारे कि सबुठ छोट अजुग्म जौगिक संख्या तालोले सीटा के आसो नौ आसो कहीं देखो चार छः आठ आठ जाइना आपंकर कौन हो से सब गोटे गोटे जौगिक जुग्म संख्या होगापर आप नाइन रु स्टार्ट होती तो नाइन टा गोटे कौन होता है अजुग्म संख्या होता है कहीं से दुई द्वारा हरण हो पारे न था ओके तो से कहा जाए कौन ना सबुठ छोट अजुग्म जौगिक संख्या तो जदि आमको कभी क्वेश्चन ने पचारे कि सबुठ छोट अजुग्म जौगिक संख्या मीनस ऑड कंपोजिट नंबर जदि पचारे तालोले सीटा के नाइन आसपे नेक्स्ट रहा आम वन वन टा गोटे मौलिक संख्या नुहे कि जौगिक संख्या नुहे कहीं मौलिक संख्या नुहे कहीं मौलिक संख्यार डेफिनेशन को सैटिस्फाई करूनी पूरा करूनी कहीं मौलिक संख्यार कही कि गोटे संख्यार गुणनक एक होता दरकार आजे होता दरकार कितु एक रो गुणनक किए होता है सी निजे ही होता है ओके तो सहीटा गोटे आप मौलिक संख्यार डेफिनेशन को सैटिस्फाई करूनी कि जौगिक संख्यार जो डेफिनेशन रही से पूरा करना तो से वन टा गोटे स्वतंत्र संख्या व स्पेशल नंबर से मौलिक नुहे कि जौगिक नुहे आउ एक आपंकर देखो एक एक छड़ा आपंकर कौन सी जौगिक मीनस आपंकर गुणनियोग फैक्टर आसी न था तो से वन टा गोटे कौन होता है मौलिक नुहे कि जौगिक कंपोजिट नंबर कि प्राइम नंबर हो न था तो यह होगा आम कौन ना मौलिक संख्या जौगिक संख्या और एक जोटा कि आम नेचुरल नंबर को क्लासीफाई करतापर आम देखा कौन ना अजुग्म संख्या जो जुग्म संख्या आम क्या कही था ओके अजुग्म संख्या को आम कही था ऑड नंबर एंड जुग्म संख्या को आम कही था इवेन नंबर तो देखा जुग्म संख्या आम क्या कह एंड अजुग्म संख्या आम क्या कह तो देखो प्रथम आम कौन आसना जुग्म संख्या जुग्म संख्या आम क्या कहाना जो संख्या दुई द्वारा विभाजित हरण होता है ताको आम जुग्म संख्या कही था किंबा आपण मैंने एमती भी कही पारे कि जो संख्यार शेष अंक शून दुई चार छः आठ थाए ताकू जुग्म संख्या कही पारे कहीं आपंथे कि कौ संख्या गुड़ाक दुई द्वारा विभाज्य होता है ना जो संख्यार शेष अंकटा आपंकर दुई चार छः आठ थाए से ही संख्या गुड़ाक आपर कौन होता है आपंकर दुई द्वारा विभाज्य होता है आउ जो संख्याटा दुई द्वारा विभाज्य होता है आम जुग्म संख्या कही था तो से आपर डेफिनेशन मन रखिपारे कि जो संख्याटा दुई द्वारा विभाज्य होता है ताको आम जुग्म संख्या कही पार कि जो संख्यार शेष अंक शून दुई चार छः आठ थी ताको आम जुग्म संख्या कहवा जमीक एग्जाम्पल्स आपखिपारे देखते ये लिखाई कौन ना दुई चार छः आठ दस बार चौदह यह सब गोटे गोटे कौन हो जुग्म संख्या हो कहीं जुग्म संख्या हो कहीं देखो दुईटा आपंकर दुई द्वारा हरण हो पार कहीं दुईटा को जब आप दुई द्वारा हरण करेंगे देन आपंकर भागशेष के भागशेष आपंकर जीरो आस से भाया चार्टा देखो चार्टा भी दुई ररण हो पार छा भी हरण हो पार आठटा भी हरण हो पार दस भी हो पार बार भी हो पार चौदह भी हो पार ता व्यतीत जदि आम सेकेंड डेफिनेशन को देखा कि जो संख्यार शेष अंक शून दुई चार छः आठ थी से संख्याटा भी हरण हो पार मीनस ये देखो आपंकर शेष अंक दुई रही चार रही छः रही आठ रही मीनस एगुड़ाक आपंकर दुई द्वारा हरण होपर देखो सेकेंड जो रहा दस दस रखु शेष अंक किए रहा ना शून रहा मीनस यहाँ दुई द्वारा हरण
पार बार कथा जदि ना एथेरे शेष अंक रहा दुई तो यहाँ भी आपंकर दुई द्वारा हरण पार चौदह कथा जदि ना शेष अंक रहा चार तो यहाँ भी आपंकर दुई द्वारा हरण पार मुझे नेली षोह षोह शेष अंक रहा छः तो यहाँ भी दुई द्वारा हरण पार तो एमती आम जेकोसी संख्या नहीं पार जोटा कि दुई द्वारा विभाज्य होता तो सही गोटे आमर कौन ना जुग्म संख्या जहाँ को आम इवेन नंबर बोलीपर से नेक्स्ट रही है कौन ना अजुग्म संख्या अजुग्म संख्या आम क्या कह जो संख्याटा दुई द्वारा विभाज्य हो नाकूम कह अजुग्म संख्या तो जो कौ संख्या दुई द्वारा हरण हो ना जो संख्यार शेष अंक सबू संख्या नमें अजुग्म संख्या कह से संख्या दुई द्वारा हरण हेनी तो आम देखा कि गोटे संख्याटा दुई द्वारा विभाज्य हो ना कि आम देखा कि तार शेष अंक शून दुई चार छः आठ अच्छी कि ना जदि ना देन से दुई रे हरण हो पार ना आदि दुई रे हरण होता गोटे अजुग्म संख्या हो तो अजुग्म संख्या किए किए आसो देखो एक आसव कहीं एकटा आपंकर दुई रे हरण हो पार्बनी तापर आसो थ्री थ्री टा को जदि आपने दुई रे हरण करेंगे आपंकर भागशेष के वन रैट मीन सेटा भी आपंकर दुई रे पूरा हरण हो पार नहीं फाइव सेवेन नाइन इलेवेन थर्टिन एसबु जिते भी नंबर आसा एसब आपंकर दुई द्वारा हरण हो पार ना कहीं देखो एसबूर शेष अंक किए रही आपंकर शून दुई चार छः आठ ना जेहेतु ना तो एसबू आपंकर संख्या कौन हो अजुग्म संख्या ऑड नंबर हो ठीक अच्छे तो सब को आम कह अजुग्म संख्या और सब संख्या को कह जुग्म संख्या तापर यार किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही इंपोर्टेंट पॉइंट्स कौन रही सबुठ छोट जुग्म गणन संख्या जदि आमको पचारे गणन संख्या मीन नेचुरल नंबर सबुठ छोट स्मलेस्ट इवेन नेचुरल नंबर जदि कथा पचारे देन सेटा के आसो टू आसो और जदि सबुठ छोट आमको अजुग्म गणन संख्या कथा पचारे देन सेटा के आसो आमर वन आसो ओके तो ये थ्री लिखाई ये भूल लिखाई तो ये आपन लिखे बै मिस्टेक ये थ्री लिखाई जाइए ओके तो सबुठ छोट अजुग्म गणन संख्या कैसे आसो थ्री आसो और सबुठ छोट जुग्म गणन संख्या के आसो टू आसो क्लीयर हो समस्त कि आम एक्जामपल्स देखा से एक्जामपल्स गुड़ाक देखो कौन कौन दिखाई बहुत ही बेसिक आपंकर इजी इजी एक्जामपल्स गुड़ाक क्वेश्चन गुड़ाक निहाई ओके जहाद्वारा कि आपर कनसेप्ट गुड़ाक आपको क्लीयर हो पारे ठीक अच्छे देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दिखाई ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर कौटा गोटे प्राइम नंबर मैंने कौन मौलिक संख्यार डेफिनेशन आम कौन देखी ना जो संख्याटा एक आजे द्वारा हरण हो पारे प्राइम नंबर कह तो देखो आमको ऑप्शन में दिखाई पंद्रह एक तेईस आउ सिक्सटी थ्री दिखाई ओके तो फिफ्टन कथा जदि आम देखा फिफ्टन रम गुण नियोग को आम देखा फिफ्टनटा क्या क्या द्वारा हरण हो पार्टी फिफ्टनटा एक पार पाँच ओके ताने संख्यार देखु एक आउ पंद्रह द्वारा भी हरण हो पार तो एक आउ पंद्रह को छाड़ीदे बाकी थ्री फाइव एसब भी आस कौन ना गुण नियोग आस गोटे के आपंकर प्राइम नंबर हो पार ना तो फिफ्टन तो ये आमर कैनसल होगा देखा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन देखो गुण नियोग किए रे रन रत रपर ट्वेंटी वन भी रोके देखो एक आउ ट्वेंटी वन को छाड़ीदे तीन आउ सेवेन भी आसने एटा भी गोटे आमर प्राइम नंबर नुहेतापुर नेक्स्ट देखा ट्वेंटी थ्री कथा ट्वेंटी थ्री रखु गुण नियोग किए किए आए ट्वेंटी थ्रीटा एक आउ ट्वेंटी थ्री निज द्वारा हरण होता है तो मैंने ये आपंकर प्राइम नंबर डेफिनेशन को सैटिस्फाई करुच्छे तो यहाँ गोटे हो प्राइम नंबर तापर आम सिक्सटी थ्री को चेक कर पार्बा सिक्सटी थ्रीटा क्या द्वारा हरण होता है देखो सिक्सटी थ्रीटा आपंकर एक हरण होता है तापर सात नुआई तेसठी मीन सात टेबुल आसो नाइन टेबुल आसो आउ सिक्सटी थ्री द्वारा डिवाइड हो पार मैंने वन आउ सिक्सटी थ्री को छाड़ीदे सेवेन आउ नाइन भी सी हरण हो पार्टी ता मैंने यहाँ भी गोटे प्राइम नंबर नुहे तो आमको ये जो प्रथम क्वेश्चन रही था प्रथम क्वेश्चन आमको आंसर किए मिलला ना प्रथम क्वेश्चन आंसर आसा ऑप्शन सी दैट इज ट्वेंटी थ्री हो गए प्राइम नंबर तो ये आपने प्राइम नंबर को चेक करेंगे तापर नेक्स्ट रही ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर कौटा गोटे ऑड नंबर होगापी हेल्ले मुझे कौन कही ना जो संख्यार शेष अंक शून दुई चार छः आठ नथिबो मीनस जीरो टू फोर सिक्स एट यही सब संख्या नथिबो से संख्याटा गोटे कौन हो अजुग्म संख्या बा ऑड नंबर हो तो आम देखा कि कौ संख्यार शेष अंक यहाँ ना तो सिक्सटन देखो लास्ट सिक्स रही एटा गोटे जुग्म संख्या तापर टेन देखो यार शेष अंक जीरो रही तो यहाँ भी गोटे जुग्म संख्या तापर देखो ट्वेंटी वन दिखाई तो ओके तो ट्वेंटी वन देखो ट्वेंटी वन यार शेष अंक कौन रही वन रही तो यहाँ गोटे कौन हो ऑड नंबर होपर देखो ट्वेंटी थ्री दिखाई तो ट्वेंटी थ्री रे भी शेष अंक किए रही ना आपंकर थ्री रही तो यहाँ भी गोटे ऑड नंबर होके आमको जो क्वेश्चन नंबर टू दिखाई क्वेश्चन नंबर टू रे आमको
दुईटा अड नंबर दिखाई गोटे हूँ 21 आउ गोटे हूँ 23 तो दुईटा हो राइट आंसर ठीक अच्छे। तो ये आपको गोटे ऑप्शन केवल टिक कर दुईटा ऑप्शन खाली मुझको नॉलेज चेक करने ये क्वेश्चन सब दूसरी ओके जहाँद्वारा कि आप जापर किमती आम गोटे नंबर को चेक करवा गोटे केतल इवेन नंबर हम केतल अड नंबर हम ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट देखो ह्विच अफ द फलोईंग इज एन कंपोजिट नंबर कौटा गोटे कंपोजिट नंबर हम कंपोजिट नंबर मैंने कौन ना जो प्राइम नंबर होता आम कंपोजिट नंबर हो तो देखो कौन दिखाई 17 तो 17 रो जदि आम देखा गुणनियोग फैक्टर किए किए आस 17 आसो से भाया 19 कथा जो देखा 19 किए आस 19 आसो तो मैंने 17 गोटे कौन हो प्राइम नंबर होगा 19 गोटे कौन होगा ना प्राइम नंबर होगा। तापर देखो 27 रैक्टर किए किए आए 1 आए 3 आए 9 आए 27 आए ता मैंने 1 आउ 27 को छाड़ीदे 3 आउ 7 भी आस तो यहाँ गोटे कौन हो प्राइम नंबर हेनी तो जदि ये गोटे प्राइम नंबर होने कौन नंबर हे ना कंपोजिट नंबर हम तापर देखो 29 कथा जो आम देखा 29 कौन हम ना 1 आउ 29 निजे होता है यार तमें 29 गोटे प्राइम नंबर होगा तो आमको पचारा कि कंपोजिट नंबर तो कौटा गोटे कंपोजिट नंबर हम ना ऑप्शन सी दैट इज 27 आम कंपोजिट नंबर हो तो ये आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनेशन देखापी मिले जहाँ को आपजिली सल्व करदेपर देखिए ठीक अच्छे। तो आशा करी कि आज लेक्चर आपको भल लगे जदि भल लगे वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और जो चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करूँ देखा आगामी क्लास रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।